सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए आरओ एआरओ के पेपर को रद्द करने की जानकारी दी थी, जो कि 11 फरवरी को हुआ था। इस परीक्षा के रद्द होने की जानकारी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आरओ एआरओ परीक्षा का रद्द होना बताता है कि भाजपा पहले हर संभव कोशिश करती है अपने कुकर्म को छुपाने की, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो चुनावी हार के डर से पीछे भी हटती है। ये युवाओं की जीत है और आगामी चुनाव में भाजपा की हार का एक और पक्का संदेश, भाजपा की हार का पर्चा लीक हो गया है। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। बता दें कि यह भर्ती 411 पदों के लिए थी। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, जिसमें कुल मिला जुड़कर 411 पद थे और इसमें 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि एक वैकेंसी पर 2600 से ज्यादा अभ्यर्थियों की फाइट थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ही आंकड़ा है। 11 फरवरी को जब एग्जाम हुआ, उसके बाद से ही इसमें आरोप लगने शुरू हो गए थे कि पेपर लीक हो गया है। पेपर पहले से ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर फ्लोट हो रहा है, जिसके बाद अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर आवाज बुलंद किए हुए थे। पेपर लीक के विरोध में प्रयागराज में लंबे समय से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ था और अब सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए पेपर आरओ एआरओ के पेपर को रद्द करने की जानकारी दी और साथ ही बताया कि कुछ महीने के भीतर इस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट किया जाएगा।